यूनियन स्टेट ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट हरिद्वार की शपथ ग्रहण में होली मिलन समारोह हुआ हर्षोल्लास मनाया गया। हरिद्वार के एक निजी होटल में स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के शपथ ग्रहण व होली सम्मेलन बड़ी हरिद्वार के एक निजी होटल में स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट के शपथ ग्रहण व होली सम्मेलन बड़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नगर विधायक मदन कौशिक हरिद्वार में, अनीता शर्मा पूर्व नगर पालिका चेयरमैन, सतपाल ब्रह्मचारी पूर्व राज्य मंत्री, संजय पालीवाल पूर्व शहीद, कई राजनेताओं ने शिरकत की। आपको बता दें कि माँ सरस्वती दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया, जिसके पश्चात स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट रजिस्टर इकाई के पदाधिकारियों को शपथ ग्रहण कराई गई। सभी का स्वागत सम्मान साथ साथ राधा कृष्ण की मनमोहक प्रस्तुति साथ ही फूलों की होली के साथ कार्यक्रम को सम्पन्न किया गया। हरिद्वार की विशेषता आज स्टेट यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट रजिस्टर उत्तराखंड की कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह एवं होली मिलन कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे पांडे जी को करवा दें अध्यक्षता। सीनियर पत्रकार भी आप बता रहे हैं सबसे हमारे कोई तो पांडे जी की अध्यक्षता इतनी जो किसी के दबाव में नहीं, ऐसे आज इस कार्यक्रम के संयोजक मनु सैनी जी, बहुत ही सम्मानित शंकर दत्त शर्मा जी, हमारे सहयोगी साथी मनोज कश्यप जी, कमल अग्रवाल जी और तमाम उनके साथ जिन्होंने पदाधिकारियों ने आज पांडे जी के मार्गदर्शन में शपथ ली। मैं गंगा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आज जो शपथ पांडे जी से एक सीनियर पत्रकार से ली और जो उन्होंने अपने 5 मिनट में पत्रकार की ज्ञान की को उन्होंने ग्रहण किया होगा और निश्चित ही उनका ज्ञान कुछ न कुछ काम आया होगा, आएगा, क्योंकि आज के युग में मैं भी पांडे जी से हंस रहा था, पत्रकार का जॉब सबसे कठिन जॉब है। और मेरा उसमें निवेदन है अपने नए पत्रकारों से हाथ जोड़कर कि अगर जुझारू और जावाद पत्रकार नहीं बन पाए, पत्रकारिता के साथ साथ अपने आप को रोजगार, आपकी लेखनी बहुत जोर की चलेगी और आपकी लेखनी से लोग डरेंगे। पांडे जी कि जितने बड़े बड़े उद्योगी घराने हैं, चाहे वो चैनल हो चाहे वो अखबार हो, सब उन्होंने खरीद लिए और जितने भी उनके अंदर पत्रकार रहते हैं उनकी मजबूरी है। जैसे आपने कहा कि पैदल चलो देखो, वो देखने कुछ और है लेकिन मालिकों के दबाव में उन्हें लिखना कुछ और।